भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, घरों के अंदर भी और बाहर भी। 2012 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भारत को G20 देशों की सूची में महिलाओं के लिए सबसे खराब देश का दर्जा दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2012 के दौरान महिलाओं के खिलाफ लगभग 2.5 लाख अपराध हुए, जिनमें बलात्कार, दहेज संबंधी हत्याएं और पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में ये मामले बहुत कम दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या इनमें रिपोर्ट किए गए मामलों से बहुत अधिक है। आइडियाज फॉर इंडिया पर प्रकाशित इस आलेख में मैंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, मजबूत विरासत अधिकारों और काम करने की स्थिति और घरेलू हिंसा की घटनाओं के बीच की कड़ी की जांच की है। इसमें मैंने पाया है कि महिलाओं को आय या धन के माध्यम से सशक्त बनाने में उनमें घरेलू हिंसा का शिकार होने की संभावना कम हो जाती है। पूरा आलेख पढ़ने के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं।